वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा।
महीने की एंट्रीज अधूरी है, क्या कर रहे हो तुम? मेरी तरफ से सर डर होगा, मे बी जूनियर्स का पेंडिंग है शायद। जूनियर्स का पेंडिंग है, यू आर सीनियर मैनेजर हियर, तो ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि जूनियर से तुम काम कराओ। ठीक है, मैं देख लेती हूँ। कुछ भी करो, ओवर टाइम कर लो, कुछ भी करो, ये 6 महीने की एंट्रीज मुझे खत्म चाहिए। ओके, आप जो भी मेल करते हो वो चेक करना रखो कि आपने कितना काम किया है, जूनियर्स ने क्या काम किया है। ठीक है, मैं चेक कर रहा। कितने टाइम के बाद मिल रहे हैं ना हम लोग? हाँ यार, पूरा दिन वर्क रहता है, क्या कर सकता हूँ मैं। वर्क तो मैं भी करती हूँ ना। हाँ, पर सबका अलग अलग होता है यार वर्क, ऑफिस में, फैमिली में, सबको टाइम देना पड़ता है। संडे को भी टाइम नहीं मिलता है? मिलता है, पर सबको, सबके लिए मैनेज तो करना पड़ता है ना। आप बोलो तो आप हम रोज मॉर्निंग में वॉक करने के लिए मिले तो। मुझे मुझे क्या जरूरत है, मैं तो तेरे को देख के ही फिट हो जाता हूँ। ठीक है, और कहाँ थे लास्ट संडे? लास्ट संडे तो मैं यार एक फ्रेंड को मिलने गया था। कौन थी वो फ्रेंड? वो स्कूल फ्रेंड थी। कौन सी स्कूल फ्रेंड? मैंने तो उसको कभी नहीं देखा। मैंने पहले भी तेरे को बताया तो तू सब भूल जाती है यार। मैंने याद ही नहीं रहता। देखा ही नहीं है ना, लेकिन कभी उसका फोटो भी मैंने नहीं देखा है। लेकिन मैंने बताया था, मैंने उसको पहली बार देखा। तो यही सब याद रखती है, प्यार वाले वाली बातें कर। यहाँ पे तेरे को ओट टाइम पे मिलने आया हूँ मैं। छोड़ ना, सुबह अभी ऑफ वर्क पे जाना है, बाद में मिलते हैं, मैं जा रही हूँ। ठीक है, चलो। हेलो अदिति, कहाँ पे है तू? हाँ, सर ने तुझे बुलाया है। नहीं यार, थोड़ा ठीक होगा तो ही आऊँगी आज। नहीं, देखती हूँ, चल बोलती हूँ कुछ। अच्छा, ऐसा है क्या? ठीक है ठीक है, मैं बता देती हूँ सर को ऐसी प्रॉब्लम है। ठीक है ठीक है, चल मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। सर? Yes. आपने बुलाया था? मैंने अदिति को बुलाया था, तुम क्यों आई? वो अदिति आज नहीं आई मेरे। क्यों? सर कुछ इश्यू है। क्या इश्यू है? सर गर्ल्स प्रॉब्लम। गर्ल्स प्रॉब्लम? हाँ सर। कौन सी प्रॉब्लम? सर गर्ल्स प्रॉब्लम। कौन सी प्रॉब्लम? सर समझ जाओ ना आप भी। पीरियड्स? हाँ। सी, पीरियड इज नॉट अ प्रॉब्लम। पीरियड कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो एक नॉर्मल प्रोसेस है, ठीक है? तो उसे गर्ल प्रॉब्लम मत बता, ओके? अगर वो नहीं आई है, कॉल करो उसे और बोल दो कि सर ने लीव सैंक्शन की है, ठीक है? घर पे रहे, आराम करे। और हमारी कंपनी में जिसे भी ये तकलीफ हो, ठीक है, वो लीव ले सकता है। ओके? बता दो उसे। हेलो, हाँ अदिति। हाँ बोल, बस निकल ही रही थी। सुन, सर ने तेरी, हाँ सुन ना, सर ने तेरी लीव अप्रूव कर दी है। क्या? खड़ूस ने मुझे लीव सामने से दे दी? आर यू श्योर? हाँ मैं सही कह रही हूँ, सर ने सामने से बोला। ठीक है चल, तो फिर मैं रेस्ट करती हूँ और कल तुझे कॉल करती हूँ, ठीक है? कहाँ पे? अच्छा, आज शाम को मुझे पिकअप करने आ जाऊँगा। क्यों, क्या हुआ? अरे यार, तेरा हर बार का यही होता है यार, कुछ ना कुछ। ठीक है, रहने दे अब। ओके बाय। काकी,
क्या हाल चाल है, कहाँ पे वो? बस देख आता होगा, 10 बजे का बोला है। ठीक है आ जाएगा, इतना क्या? उसका हमेशा से ऐसा है ना, एक्चुअली कहीं पे टाइम पे नहीं आता है, टाइम नहीं देता है। चिल यार, देख सबकी लाइफ में काम होता है, थोड़ा उसको टाइम दे, आ जाएगा वो। ना डोंट वरी, आ जाएगा। तू बता तेरा क्या चल रहा है? मेरा तो क्या, बस वही रूटीन, काम करो, घर पे जाओ, खाना खाओ। काम तो मैं भी करती हूँ ना, एक काम कर, अपने ऑफिस वालों से तो शादी कर। हमेशा मेरे पे रहता है कि मैं झगड़ती हूँ तेरे से। एक्सेप्ट करना अपनी भूल। ये सब नाटक मत कर, ठीक है? एक्सेप्ट कर कि तुम हमेशा लेट होता है। ओके, आपसे मैं जल्दी आ जाऊंगा, टाइम पे आ जाऊंगा। खाना ऑर्डर करें, कर ले करना। हेलो, हाँ क्या हुआ? अरे मुझे काम है, थोड़ा इमरजेंसी निकलना पड़ेगा, ठीक है? बाद में मिलती हूँ। हाँ मैं, चल मुझे काम है थोड़ा। हाँ अरे ये कमी नहीं, स्कूल फ्रेंड है ना? माइंड योर लैंग्वेज, ये मेरे उसे कुछ काम था यार। आधी रात को क्यों कॉल कर रही है? अरे यार उसे कुछ काम था यार, इसलिए फोन करेगी, मुझे क्या मालूम। शो मी। नहीं अभी नहीं, दिखा नहीं दिखाऊंगा मैं। रात को क्या काम है उसको? उसे कुछ काम होगा। पहले खाना खा ले बाद में बताऊंगा। शो मी। पहले खाना खा ले बाद में बताऊंगा। ए हरामी, मेरा बॉयफ्रेंड है ना, उसको अब से आज के बाद कॉल किया ना तो समझ लेना मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। मेरा बॉयफ्रेंड है, डोंट ट्राई टू टॉक विथ हिम, समझी? नॉनसेंस, बुद्धि है क्या तेरे में? गिव मी योर फोन। नहीं मुझे नहीं देना। मुझे फोन दे दे, मेरी फ्रेंड। आधी रात को क्यों कॉल करती है तुझे? फ्रेंड है, उसे पागल समझ रखा है क्या? नहीं, मुझे नहीं, वो कॉल करेगी, वो मेरी फ्रेंड है। फ्रेंड है तो क्या है? फ्रेंड में ये सब चलता है। चीटर समझ रखा है? नहीं, चीट कर रहा है ना तू मेरे साथ। बकबक मत कर। मैं बकबक नहीं कर रही हूँ, वो हरामी है, एक नंबर की। तू भी हरामी है, तेरे जैसी तो सो आएगी। What do you mean? मेरे जैसे सो आएगी? क्या समझता है तू मुझे? पागल समझ रखा है क्या मुझे? तू निकल अभी यहाँ से। हाँ अब तो तुझे वो चुड़ैली अच्छी लगेगी ना? मैं क्यों नहीं अच्छी लगूंगी तुझे अब? क्योंकि वो चुड़ैल आ गई है ना तेरे लाइफ में। तेरे साथ बहस नहीं करना है मुझे। क्यों चीट कर रहा है? इतने जो लटका कर रखा तूने। मैंने किसी को लटका के नहीं रखा है। तो क्यों कॉल कर रही है? सबकी फ्रेंड्स होती है। फ्रेंड फ्रेंड लेकर चीट, मूर्ख समझ रखा है क्या मुझे? तू निकल अभी यहाँ से, चल। हेलो अदिति, क्या कर रही है? क्या कुछ नहीं, बोलना। चल आज सैटरडे है तो पार्टी के लिए चलते हैं। अरे नहीं यार, मैं नहीं आ रही ना। क्यों, क्या हुआ? चलना। कुछ नहीं हुआ यार, बाद में कॉल करती हूँ तुझे। हेलो, अरे यार इसने तो कट ही कर दिया। अदिति क्या कर रही है? कुछ नहीं है, बोल क्या था? कितनी बार तुझे कॉल किया? कुछ नहीं, बोल क्या हुआ, क्या है? कुछ नहीं, प्लीज लीव मी अलोन यार। बता तो सही, मैं तेरी फ्रेंड हूँ ना। बस ऐसे ही यार। अरे बता ना, हुआ क्या? हुआ उसके साथ कुछ झगड़ा हुआ? हो गया, मेरा कंप्लीट ब्रेकअप हो गया यार। अपन देख इतने तो कैसे आएंगे जाएंगे, उसके पीछे क्या यार रोना धोना। पागल थी ना मैं उसके पीछे। अरे प्लीज मेरी एक बात तो सुन। नहीं मुझे अकेला, एक बात तो सुन। किसी महान आत्मा ने कहा है कभी सुनना है कुछ भी बस, और लड़के के पीछे नहीं भागना चाहिए। फाइन, प्लीज लीव मी अलोन।
अरे यार प्लीज प्लीज। धीरे धीरे उठ कर मिश्रा कहाँ है? मिश्रा ये क्या हाल बना रखा है? ये प्रोजेक्ट जो हमें 9 मंथ्स में कंप्लीट करना है, 7 महीने हो गए, कितना प्रोग्रेस है उसमें? तुम्हें 1 महीने पहले भी मैंने बताया था, कितना प्रोग्रेस है उसमें? सॉरी जूनियर्स। क्या जूनियर्स? जूनियर्स क्या, तुम सीनियर हो ना, जूनियर्स से काम लेना तुम्हारा काम है। तुम्हारी फाइलें कितनी कंप्लीट हुई है? मेल्स चेक किए मैंने, आधे से भी कम काम किया है तुमने। अपनी फाइलें भी लेके आओ जाओ। और मिश्रा जी आप आधे आधे दिन गायब रहते हैं, बाकी के टाइम में आप मोबाइल पे रहते हैं, आप करते क्या हैं? मिश्रा जी सामने देखिए, आप क्या करते हैं? ये आप क्या चबा रहे हैं? पान मसाला चबा रहे? मावा मावा। यू स्टूपिड फेलो, जाओ थूक क्या हो पहले, थूक क्या हो? तुम सभी लोग 2 घंटे एक्स्ट्रा काम करोगे। ये प्रोजेक्ट मुझे कंप्लीट चाहिए बाय हुक और क्रुक, ओके? और सबकी छुट्टी भी मैं कैंसिल कर रहा हूँ, ठीक है? जूनियर्स का सारा काम तुम देखोगे, ओके? हाँ, आजा मिश्रा, आजा। तू 14 घंटे काम करेगा, छुट्टी भी नहीं मिलेगी, छुट्टी नहीं मिलेगी, और काम भी करेगा, और तेरा मोबाइल भी मैं जब्त कर लूंगा, तुझे बाहर भी नहीं जाने को मिलेगा। सर मेरे साले का बर्थडे है सर। तो मैं क्या करूं? सर सारी खुदाई एक तरफ मेरे। तू यहाँ पे साइड ही मत जा, तेरा काम देख। सर प्लीज सर ऐसा मत करो। नहीं नहीं मैं कुछ नहीं जानता, तू डबल ड्यूटी करेगा, ठीक है? चलो तो यहाँ आके खाने ला, ठीक है? घर से बाहर निकलती हाँ तो यहाँ आके सो लेना, बीवी घर से निकाल दे खाना ना दे तो यहाँ कर लेना, ठीक है? मैं संभाल लूंगा। नहीं नहीं 2 दिन निकलो यहाँ से, प्रोजेक्ट खत्म करो, मुझे 1 भी मिनट का टाइम पास नहीं चाहिए, निकलो यहाँ से, चलो। अब क्या हुआ सर? 2 दिन की छुट्टी दे दो। नहीं मिलेगी सर प्लीज, 2 दिन। मिश्रा नहीं मिलेगी सर। दूसरा क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो मेरे सर? तू क्या 2 दिन की छुट्टी चाहिए सर? नहीं घर में से बाहर निकल तू सर 2 दिन की छुट्टी सिर्फ तू दूर रहा सर 2 दिन की निकल निकल 2 दिन की पहले फुर्सत से निकल सर तुझे नौ ज्यादा नहीं 2 दिन के बाद 2 मिनट की छुट्टी दे दूंगा तुझे मैं। तेरा फोन भी मैं तू फोन दे सर मोबाइल ले मुझे
ला चल ला इधर जमा करा दे बात जमा करा ले सीटों पर के तू फोन भी नहीं यूज करेगा चल निकल सर नी मिश्रा मुझे गुस्सा मत दिला निकल दो दिन से नहीं सर प्लीज तू नी तू निकल मेरे दिमाग की देख मत कर साइंस कहां कहां से सर मिस हेलो यस बोल रहा हूँ थैंक यू वेरी मच यस अभी ऐसा प्रोजेक्ट कंप्लीट करने पर कैसा फील होगा अच्छा ही फील हो रहा है हाँ फ्यूचर में भी करते रहेंगे हाँ नहीं 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 नो 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 आई एम नॉट वन मैन आर्मी ये जो प्रोजेक्ट हुआ है उसका सारा क्रेडिट जो है वो मेरे स्टाफ को जाता है ओके सो इट वॉज अ टीम वर्क और टीम वर्क की वजह से ये पॉसिबल हुआ है ठीक है ओके ओके नो इश्यूज या थैंक यू वंस अगेन या ठीक है बाय Congratulations, sir. Congratulations, sir. Yes. नहीं अरे सर नहीं नहीं तो तुम्हें भी न्यूज़ मिल गई हाँ oh, सर सारी जगह पे अपने कंपनी के चर्चे गुड गुड ये सब आपकी मेहनत की वजह से हुआ है ठीक है थैंक यू सर तो इस साल हम आपको कंपनी की तरफ से इंसेंटिव भी देंगे ओके और अगला जो प्रोजेक्ट मिला है वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है लेकिन वो भी हम इसी तरह से इसी लगन से खत्म करेंगे ओके मिश्रा जी ओके थैंक यू सर हाउ सर थैंक यू उस दिन मुझे लीव देने के लिए मेरी हेल्थ ठीक नहीं थी और आपने लीव अप्रूव की थी इट्स ओके दैट्स नॉर्मल थिंग पता नहीं पीपल क्यों उसे इस तरह ले रहे हैं और मेरा वर्क भी कंप्लीट करने के लिए थैंक यू सो मच या अब से ध्यान रखना कि टाइम से पहले हम काम खत्म कर लें ओके थैंक यू आओ मिश्रा जी आओ सर जी हम तो आपको शैतान समझते थे आप तो दीवाने से निकले अरे सर जी थैंक यू बोलने आए हो इंसेंटिव के लिए वो क्या है कि उस दिन आपने मना कर दिया छुट्टी देने से तो मेरी बीवी मायके चली गई हाँ हाँ फिर मैंने बोला कि भाई तू वहीं पे रहे अब मैं और मैं कंपनी में ओवर टाइम कर रहा था ओके फिर आपने सामने से इंसेंटिव दे दिया मैं तो शैतान समझ रहा था आप तो दीवाने से निकले थैंक यू सर जी गुड गुड आगे से ऐसे ही काम करना ठीक है तो ही छुट्टी लूंगा ठीक वरना लगा दूंगा ठीक डबल ड्यूटी मिश्रा जी मीटिंग के लिए बाहर जा रहे हैं तो मैं जा रहा हूँ ठीक है सर बाहर गए मीटिंग कब आएंगे अभी आएंगे आओ बैठो बैठो अरे नहीं थोड़ा काम वैसे क्रेडिट तो मेरे को मिली है क्यों इतनी मेहनत जो की थी तुमने कहा मेहनत की है मेहनत तो हमारे बॉस ने की है ना हाँ वो तो आज बॉस इतना नहीं प्रेशर देते तो हम कुछ कर नहीं सकते ना वैसे मैं भी सोच रहा हूँ कि मेरी खुद की कंपनी खोलनी है ये जॉब और नहीं होती पहले अपना काम तो कंप्लीट करो अच्छी तरह तू बनेगी सेक्रेटरी
पर्सनल सेक्रेटरी। अरे पढ़ाई का जमाना ही नहीं है। टोटल कर दो। यस सर। वो एप्लीकेशन तुमने भेज दी थी ना, मेल किया था ना? हाँ मैंने किया था। ओके अब नेक्स्ट में चेक करके तुम्हें बताता हूँ। यस सर। हाँ भाई थैंक यू वेरी मच ब्रदर। या तो आओ ना भाभी को लेकर आओ। हाँ तो मिलते हैं ठीक है। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। या बर्थडे मैरिज एनिवर्सरी। ओ कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर अ मैरिज एनिवर्सरी। थैंक यू। लव या अरेंज? लव कम अरेंज। फुर्सत मिलती थी काम से? एक्चुअली उस टाइम पे घर वाले मान नहीं रहे थे तो उनको मनाने में बहुत टाइम लगा और उसकी वजह से जो गुस्सा है वो सारा काम पे निकल दिया। ओके खत्म करें अब? यस सर। तो क्या प्लान है? बस अभी तो 2-3 साल जॉब करना है। जॉब और कैरियर के बारे में सोचना छोड़ो, घर जाके क्या करोगी ये बताओ। घर जाके बस रूटीन है। मेरा मतलब था खाना क्या खाओगी, क्वालिटी टाइम कैसे स्पेंड करोगी। क्यों आप घर जाते वक्त आप सिर्फ खाने के बारे में ही सोचते हैं क्या? ऑब्वियसली खाने के लिए तो जीते, इतना काम क्यों करते हैं? खाना अच्छे से खा सके इसलिए पूछ रहा था कि घर पे पार्टी है एंड इफ यू विश यू कैन जॉइन। श्योर सर। आज आप ऑफिस आए? हाँ। आज वैलेंटाइन डे है, आप गए नहीं? नहीं गया। लव मैरिज अपनी वाइफ को लेकर गए नहीं सर आज के दिन? नहीं गया। ओके सर। तुम्हें कहीं जाना है? क्यों? वैलेंटाइन डे है, मैसेज चेक कर रही हो। सर आई एम सिंगल। ओके और वैसे भी ये प्यार जैसा कुछ होता ही नहीं, सब दिखावा है सर। तुम्हें कैसे पता? वो सर एक फ्रेंड है उसके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है तो बिलीव नहीं करती हूँ ये सब चीजों में। ओके फ्रेंड कैसी है तुम्हारी? सर वो भूलना मांगती है लेकिन भूल नहीं सक रही है। प्रॉब्लम क्या है? बस वो बाहर नहीं निकल पा रही है इसके वजह से। क्यों नहीं निकल पा रही है? वो ही सब थोड़ी बहुत उसकी यादें उसको आती रहती हैं। तब तक वो उसे दिल से माफ नहीं करेगी, उसकी यादें आती रहेगी। सिंपल। कैसे? अगर तुम्हारे हाथ में एक बड़ी सी रस्सी है जिसे तुमने कस के पकड़ रखा है और कोई उस रस्सी को पूरी ताकत लगाकर खींच रहा है तो डैमेज किसको होगा? अपने हाथ को। सिमिलरली अगर अपने हाथ को डैमेज नहीं होना दे तो वो रस्सी छोड़ देनी पड़ेगी। ठीक है अपनी फ्रेंड को बताने का ट्राई करती हूँ, आई मीन उसको समझाने का ट्राई करती हूँ। गुड लेकिन अपनी फ्रेंड के लिए तुम किसी पे ट्रस्ट करना मत छोड़ो। मेरे हिसाब से तो मेरे लिए कोई ट्रस्ट के लायक ही नहीं है।
जो ऐसा मानता है कि ट्रस्ट करने के लायक कोई नहीं है, उसे इंसान पहचानना आता नहीं है। तो पहले तो इंसानों को समझो, उसे पहचानो, उसके बाद ट्रस्ट अपने आप आ जाएगा। ठीक है, अपनी फ्रेंड को भी बताना है। ओके, आई डोंट बिलीव इन लव। मत बिलीव करो, जब उसके लिए प्रिपेयर हो तुम तभी उस पर बिलीव करना, तब तक कोई तुम्हें नहीं कह रहा कि तुम उस पर बिलीव करो। ठीक है,